नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आपका तो जितेंद्र ओझा आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर है। आज एक कहानी आपके साथ पेश कर रहे हैं, शायद आपको अच्छा लगे, तो चलिए आज कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन पहले किसी राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। वो बहुत ही आलसी थे, वो जो भी खाना वगैरह मिलता था वो दिन भर खा के सोए रहते थे। उनके माता पिता जब तक थे तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं था। माता पिता नहीं होने के बाद उनको काफ़ी सारा दिक्कत होने लगा। गांव के जो भी लोग थे वो थोड़ा थोड़ा करके अपना सामान देते थे, पंडित जी का वैसा ही गुजारा चलता था। कुछ दिन के बाद पंडित जी एक जगह बैठे रहते थे, तो खाना जो भी बचता है वो लोग गाँव वाले ले आके उनको देते, पंडित जी का वैसा ही गुजारा चल रहा था। तो पंडित जी को सुधारने के लिए गांव वाले ने पूरा सोचा, चलो एक समूह बनाते हैं, सबको इकट्ठा किए गांव वाले ने। गांव वाले सारे इकट्ठे हुए, उसके बाद सभी गांव वाले ने बोला, प्रस्ताव रखा, क्यों ना पंडित जी का शादी कर दिया जाए, पंडित जी का आगे का स्थिति सही हो जाएगा। तो सारे गांव वाले राजी हो गए। उसके बाद पंडित जी की शादी भी कर दी गई। शादी करने के बाद उनकी वाइफ आई, फिर भी वैसे के वैसा ही स्थिति था, वाइफ भी परेशान रहने लगी। कुछ दिन के बाद पंडित जी को बोले कि आप जाइए कमाने, तो पंडित जी बोले ठीक है जाएंगे, उसके लिए तुम्हें हमको खाना देना होगा रास्ते में, कि जाके हम रास्ते में जाएंगे तो हमको भूख लगेगा तो हम खाना खाएंगे। बोले ठीक है, कोई पड़ोसी से मांग कर ला के उनको खाना दी। खाना उस टाइम सतुआ था, सतुआ चटनी अचार जो भी था वो एक पोटली में बांध के उनको दे दी। पंडित जी गए ले, पंडित जी पोटली ले ली और चले गए। जाते 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 एक तालाब भी था, वहीं पर बैठ गए, सतुआ खाए और फिर वहीं पे सो गए। सोने के बाद शाम हो गया, देखे सब कोई वापस आ रहा है काम करके, वो भी उठे, शाम को वापस आ गए। पंडित जी की वाइफ बोली, आप गए तो जॉब नहीं की, बोले हम जाके सो गए। बोले ठीक है ऐसा ही। एक दिन और हुआ, फिर पंडित जी की वाइफ गई, मांग के कहीं से लेके आई, पंडित जी को पोटली बना के दी, फिर पंडित जी गए, फिर कुछ दूर जाके सो गए। खाना वाना खा कर फिर सो गए। फिर रिटर्न शाम को सब आदमी आ रहे थे, उसी उन्हीं लोगों के साथ वो भी आ गए। उसके बाद पंडित जी की वाइफ पूरा परेशान हो गई। अब एक दिन क्या की कि पंडित जी के खाने में पूरा जहर वगैरह पिला के बोली दे दी, बोली आज अगर आप अगले बार अगर जाओगे तो फिर आप लौट के नहीं आओगे। पंडित जी को बताया नहीं कि पोटली में जहर है। पंडित जी इस बार सोचे चलो क्यों ना थोड़ा दूर तक आज जाए। पंडित जी भी काफ़ी दूर तक जाने लगे। जाते 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 दूसरे राज्य में पहुँच गए। दूसरे राज्य में जब पहुँच गए तो शाम होने लगा, तो सोचे कि रुको हाथ पैर धो के खाना खा लेते हैं। तो पोटली अपने एक गाछ के ऊपर टांग दिए, तो जब गाछ के ऊपर टांग दिए तो गए तालाब वालाब में हाथ पैर धोने। उसी राज्य में एक थी हाथी शंका हुआ था, हाथी पूरा लोगों को परेशान कर रहा था, लोगों को मार रहा था। उसी रास्ते से हाथी भी गुजर रहा था जहाँ से इनकी पोटली टंगी हुई थी। तो पोटली को हाथी के नज़र पड़ गया, पोटली पे आया, हाथी पूरा फाड़ फूट दिया पोटली, उसमें से दो चार फकान सतुआ फाँक ली। सतुआ फाँकने के बाद हाथी वहीं पर गिर गई। तो जब पंडित जी हाथ पैर धो के आए तो देखे कि हाथी पूरा सतुआ उनका छिड़ दिया है। तो हाथी के शरीर के ऊपर बैठ के लगे उसको फाइट फाइट से मारने। तो जब मारने लगा तो पूरा उसके पीछे सिपाही लोग आए, तो देखे कि वहाँ पंडित जी उसके ऊपर बैठ के हाथी को फाइट से मार रहे। तो वो लोग भी देख के आश्चर्यचकित कर गए कि बाबा ये क्या ऐसा पहलवान है कि जो हाथी को फाइट से मार मार के पूरा मार दिया हाथी को।
उसके बाद क्या किए कि पंडित जी बोले कि वो लोग सिपाही लोग पूछा पंडित से कि तुम हाथी को क्यों मारे। तो पंडित जी बोले कि हाथी मेरा शत्रुआ पूरा फांक गया और इसके वजह से हम मारे। तो उसके बाद सिपाही लोग क्या किए पंडित जी को पकड़ के ले गए राजा के पास। और जब राजा के पास ले गए तो राजा भी पूछा कि भाई आप हाथी को क्यों मारे। तो पंडित जी ने फिर वही जवाब दिया कि भाई मेरा वो खाना था वो हाथी खा गया इसके वजह से हम हाथी को मारे। तो राजा बोले कि ठीक है एक काम करो तुम मेरे साथ रहो तुमको जो भी खाना है पीना है जो भी हम तुम्हारा पूरा दायित्व ले रहे हैं। उसके बाद पंडित जी बोले ठीक है। उसके बाद पंडित जी उसके साथ रहने लगे। तो उस राज्य में उस पंडित जी का नाम हो गया हाथी पहलवान। उस दिन से हाथी पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद धीरे 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 कुछ दिन के बाद अपनी वाइफ को बुला लिया। वाइफ को बुलाने के बाद फिर पंडित जी वाइफ और पंडित जी दोनों साथ में रहने लगे अच्छे से रहने लगे। उसी राज्य में फिर एक दिन बहुत दिन से शेर संकट हुआ था। शेर आदमी को पूरा परेशान करता था। रात में आता था बकरी होता था गाय होता था बच्चा कोई सोया रहता था उसको उठा के जंगल में ले जाकर उसको खा जाता था। तो राजा भी परेशान हो गए। राजा जब प्रजा परेशान हो तो राजा भी परेशान हो गए। तो राजा भी सभी को बुलाया बोले कि इसका समाधान कौन करेगा। तो राजा के जितने भी प्रजा थे वो बोले कि हाथी पहलवान कर देंगे। बोले ठीक है हाथी पहलवान को बुलाया गया। हाथी पहलवान आया। तो हाथी पहलवान आया तो उनके सामने भी प्रस्ताव रखा गया कि भाई एक शेर संख्या है शेर को तुमको पकड़ना है जिंदा जिंदा पकड़ के मेरे सामने रखना है। बोले ठीक है। तो पंडित जी उस टाइम राजी तो हो गए। उसके बाद घर गए। वाइफ को बोले कि आप यहाँ से बढ़िया बिस्तर बांधो मैंने सामान पैकिंग करो घर चला जाएगा और इधर हम लोग का दाग नहीं कर लेगा। उनकी वाइफ बोली कि क्या बात है। तो वो बोले कि राजा बोले हैं कि शेर पकड़ के हम कल पे रखना है द्वार पे रख देना कि हम उठेंगे सुबह सुबह तक हमको शेर चाहिए और तुम्ही को पकड़ना है। तो पूरा घबरा गया। उसके बाद वो लोग पूरा सामान पैकिंग किया। रात में निकलने वाले थे लोग निकल गए। तो उस टाइम टिक टिक थोड़ा थोड़ा पानी हो रहा था। तो उनकी वाइफ भी थोड़ा तेज तरह की थी। तो वाइफ भी देखी कि शेर कहीं पे एक बुढ़िया का घर था। बुढ़िया घर के में एक बकरी थी उसी पे नज़र गिराए हुए थे। और उसी रास्ते से उनकी वाइफ और वो गुजर रहे थे कि आगे अपने राज्य में पहुंच सके। तो देखे तो उनकी वाइफ रुक गई। वाइफ रुक गई तो वो देखी कि शेर बकरी के तरफ आकर्षित था बकरी को पकड़ने वाला था। उस टाइम क्या की उनकी वाइफ की कोई कपड़ा था उनके पास ऊपर से ढके हुए थी अपना आंचल उचल। तो कपड़ा से क्या की कि शेर के जाके मुंह पे कपड़ा डाल दी कि शेर पूरा ऐसे हो गया शेर को कुछ दिखाई नहीं दिया अंधेरा हो गया। शेर के सामने पूरा उस कपड़ा से उसका मुंह बांध दिया गया और रस्सी बांध के राजा के द्वार पे बांध के रखा है पंडित जी। उसके बाद जब वो लोग फिर अपने घर चले गए वापस आ गए। जब थे राजा उठे जब जब राजा उठे तो देखे कि भाई शेर बंधा हुआ है उनके द्वार पे। तो राजा भी खुश हो गए। उसके बाद पंडित जी का और नाम हो गया हाथी सिंह पहलवान हो गया। पहले हाथी पहलवान थे अब सिंह जुड़ गया तो हाथी सिंह पहलवान जुड़ गए पूरा। उसके बाद उनको आधा राजपाट मिल गया आधा पूरा पैसा मिलने लगा आधा। उसके बाद काफ़ी खुश रहने लगे। कुछ दिन के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ दिन के बाद दूसरे राजा उस राजा के पे आक्रमण करने वाले थे बोले कि भाई तुम मेरे साथ युद्ध करो नहीं तुम अपना राज छोड़ो। बोले नहीं ठीक है हम युद्ध करेंगे।
इसके लिए बस पहले यूथ के लिए डेट लिया जाता था, उसी प्रकार से डेट लिया गया। तो राजा सभी मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, बोले कि भाई इसका समाधान कैसे होगा। तो सभी मंत्री बैठे हुए थे, बोले कि आतिश सिंह पहलवान को बुलाया जाए, वही समाधान करेंगे। आतिश सिंह पहलवान को बुलाया गया, आतिश सिंह पहलवान आए। उसके बाद सब लोग मिल के बोले कि भाई तुमको लड़ाई करने जाना है, राजा को विजयी बनाना है। तो आतिश सिंह पहलवान फिर डर के बोले ठीक है, युद्ध में जाने से पहले तुम अपना घोड़ा डिसाइड करो, कौन सा घोड़ा तुम लेके जाओगे। तो पंडित जी जो थे बहुत ही चतुर थे, आतिश सिंह पहलवान जिनका नाम था, वो गए जहाँ घोड़ा का पूरा इकट्ठा था, घोड़ा सब बहुत सारा घोड़ा था वहाँ पे। वहाँ पर देखे कि सबसे कमज़ोर घोड़ा कौन सा है, सबसे पतला घोड़ा कौन सा है, उसी को चूज करें, क्योंकि जब तक पूरा सैनिक जाएगा तो ये तो पतला घोड़ा रहेगा तो धीरे 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 करके जाएगा, तो इससे हम बहुत लेट से पहुँचेगा तब। तो सबसे पतला घोड़ा चूज किए, और जो घोड़ा चूज किए वो घोड़ा उड़ने वाला था, उसी को चूज किए। पूरा राज्य में नाम गया है आतिश सिंह पहलवान उड़ने वाला घोड़ा पे चढ़ के जाएंगे। तो पूरा राज्य में उनका नाम हो गया कि भाई आतिश सिंह पहलवान उड़ने वाले घोड़े पे बैठ के जाएंगे लड़ाई करने। उसके बाद घोड़ा को तैयार करने किया जाने लगा, पूरा घोड़ा को चढ़ा और पूरा अच्छा से तैयारी करके घोड़ा खिलाने जाने लगा। पूरा खाना अच्छा से उसको चना जो भी खाता था घोड़ा उसको खिला के पूरा मोटा तगड़ा कर दिया गया। उसके बाद जो डेट था लड़ाई का उस दिन, वो आए घर से घोड़ा के ऊपर बैठे और जैसे चाबुक मारे वैसे घोड़ा उड़ गया। घोड़ा जब उड़ा तो अपने बचने के लिए तारकुल का गाज पकड़ लिए। तरकुल का गाछ जब पकड़ लिए तो तरकुल का गाछ भी उखड़ गया, नीचे से जड़ से उखड़ गया, पूरा तरकुल लंबा था, वैसे ही वो पकड़ के जा रहे थे। अब बोल रहे थे कि जब गिरी है तो गीले पे गिरी है कि हमको चोट नहीं लगेगा, जमीन पे मैंने भीगा हुआ होगा वहाँ पे गिरना कि हमको चोट नहीं लगेगा, जहाँ पे मिट्टी होगा पानी होगा वहाँ पे गिरना कि हमको चोट नहीं लगेगा। जो राजा से लड़ाई करने वाले थे उस राजा का नाम भी गिल था, गिल राजा था। तो जब जहाँ पे लड़ाई होने वाला था उससे पहले वो जा रहे थे, वो तरकुल पकड़े हुए थे, तो वैसे ही बोल के जा रहे थे कि जब गिरिए तो गिले पे गिरिए क्या थी। तो राजा सुना वो आवाज़ कि भाई कौन सा आदमी है जो चिल्ला रहा है कि जब गिरिए तो गिले पे गिरिए। वो राजा सोचे करे कि कौन सा जी बंदूक लेके आ रहा है, या ये कौन सा ऐसी मिसाइल है कि बोल रहा है कि जब भी है तो गीले पे गिरी है। तो राजा डर गया, वहाँ से अपना पूरा प्रजा थी सैनिक वगैरह लेके भाग गया। उसके बाद वहाँ पे गए, वो उतरे वहाँ पे, उतरने के बाद अपना झंडा गाड़े, उसके बाद हम तरकुल छोड़ दिए और फिर चाबुक मारे, फिर झंडा गाड़ के फिर अपने राज्य में रिटर्न हो गया। तो पूरा उनको उस राज्य का राजा घोषित कर दिया गया, और जो पहले वाले राजा थे वो अपने राज्य में अथी हो गए, पूरा एक राज्य के मालिक हो गए। और कहानी अच्छा लगे हो तो कृपया सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।